अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो अभी हम लोग यहाँ से पीर कमाल, अच्छा तो अभी हम लोग पीर कमाल मस्जिद में थे, तो हमारे यहाँ पर जलगांव के हमारे दामाद अकबर भाई अस्सलामुअलैकुम। हाँ, तो अकबर भाई ने हम लोग को यहाँ पर हेल्प किया और अभी हम लोग को शालम जाना है, तो अकबर भाई उनके ऑटो में लेके चले, मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ तो आपको ड्रॉप कर देता हूँ। सो चले, पीछे हौज की साफ सफाई चल रही है, तो हम लोग को पीछे नल की साइड आना पड़ेगा वजू करने के लिए। और पीछे मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई हुई मस्जिद। We'll be right back.
मेरा सिक्का छिपका हुआ। सलमान रिजवी साहब, ये आपको शायद हम सरकार के बारे में कुछ बताएंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं सैयद मोहम्मद सलमान रिजवी मुबल्लिग के सुनी दावत इस्लामी। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त अभी सरकार शाह आलम की बारगाह में मौजूद हैं। तो सरकार शाह आलम की बहुत सारी करामतें हैं, उनमें से एक छोटी करामत यह है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये शाह आलम जब बीमार पड़ गए थे, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बातिनी तौर पे हुज़ूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ फरमा कर उन बच्चों को पढ़ाकर, और जहाँ पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदमे मुबारक की निशान है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब शाह आलम बच्चों के पास आए, तो बच्चे जब सबक सुनाने लगे, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि हुज़ूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। तो शाह आलम सरकार ने खड़े होकर अदबन वहाँ पर खड़े होकर खुशबू से पता चल गया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं। तो बाद में देखा तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के निशान थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी करामतें हैं, उसमें ये छोटी करामत है। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हुज़ूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, ये बहुत बड़ी करामत है। और हमारी खुश नसीबी है कि हम सरकार शाह आलम की बारगाह में तशरीफ़ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जी, मेरा नाम मोहम्मद रफीक नूरी, मैं अहमदाबाद से मदीना जोड़िया शहर का ही रहने वाला हूँ। तो इस वक्त कुछ मेहमान हमारे साथ यहाँ पर आए हुए थे, हमारे सलमान रजवी साहब जो बेंगलोर से, हमारे भाई एक महाराष्ट्र से आए हुए। ये वीडियो जो सरकार सालन की बेशुमार करामतें यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आपका तमाम लकबों में से एक अलकाब आपको हम सब ये मुस्तफ़ा कहा जाता है, तो इसकी वजह यही है कि जब सरकार सालन रहमतुल्लाह अलैह का मकतब पढ़ाना अल्लाह और उसके रसूल को इतना पसंद था कि एक दिन का भी नाका गवारा ना करता, तो सरकार सालन बीमार पड़ गए। बीमारी के आलम में जब सरकार को ये लगा कि अब बच्चों की पढ़ाई बिगड़ जाएगी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ लाए, बच्चों को पढ़ाया। जब आप तबीयत अच्छी हुई, सरकार सालम तशरीफ़ लाए, तो देखा बच्चे आगे पढ़ रहे थे, तो फिर बच्चों से पूछा आप आगे क्यों पढ़ रहे, मैं तो आया नहीं। बच्चों ने कहा हजरत आप रोज़ आ रहे थे। फिर सरकार सालम को खुशबू आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाए, तो इसी तरीके से जब देखा गया तो खुशबू से पहचाना गया आपके कदम मुबारक यहाँ पर पत्थर पर नोज़ फरमा लिया पत्थरों ने। तो जब जिस तख्त पर आप बैठे थे वो तख्त आज भी यहाँ पर मस्जिद के अंदर शहर में मौजूद है। इस तख्त में भी करामत हुई कि जिस रेगुलर जिस तख्त पर सरकार सलम बैठा करते थे, सरकार ने भी कृष्ण सलम ने जब उस पर जलवा अफसोस किए तो उस पर खड़े हो गया था। फिर जो बनाने वाला था उसने तख्त बनाया हो बहुत सेम जो तख्त पहले था, अगर आज के दौर में या कोई बनाता है तो 19-20 फर्क लगता है, लेकिन यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं देखते हैं कि उस तख्त में ना पहले कुछ फ़र्क था ना आज फ़र्क है। दोनों तख्त मुबारक जिस पर अल्लाह के रसूल आराम फरमाते, सरकार सालम आराम फरमाते, वो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से आपकी बारगाह में जो रहता आज भी हम बुज़ुर्गों की बारगाह में जाते हैं लेकिन फैज़याब नहीं होते, लेकिन जानवरों ने भी फैज़ हासिल कर लिया है। तो यहीं आपके कदम के करीब में ही आपका एक पालतू तोता था जो हाफिज़ कुरान था, उसकी भी मज़ार मौजूद है। तो आज यही मैसेज इस वीडियो के ज़रिए से मैं देना चाहूँगा कि जब एक जानवर, एक तोता, एक परिंदा जब बुज़ुर्गों से फैज़ ले सकता है तो हम गुनहगार क्यों नहीं। बस जिस तरीके से उन जानवरों ने, जैसे उज़ैर अलैहिस्सलाम के गधे ने उनसे फैज़ ले लिया, इतने साल मुर्दा होने के बाद भी ज़िंदा हुआ, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़िंदा किया, तो उसी तरीके से बुज़ुर्गों की बारगाह में हम आते हैं लेकिन घूमने का एक हेरिटेज बना लिया है। तो घूमने का हेरिटेज ना बनाते हुए हकीकी मायने में जो बुज़ुर्ग आराम फरमाए उनके फैज़ किस तरह हासिल होगा ये सीखिए, और मैं अहले सुन्नत के जरिए, दीनी तंजीमों के जरिए और औलिया इकराम के फैज़ से फैज़याब होइए। अस्सलाम वालेकुम। सारी अकीदत की है कि हमारा ईमान जो है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, और यहाँ तक कि हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। मगर हमने इन सारी चीज़ों को नहीं देखा, लेकिन ये हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि फैज़ नहीं होता है बुज़ुर्गान दीन से वगैरह, तो ये सारी चीज़ें अकीदों की बात है। अगर आपका इस चीज़ पर अकीदा है कि वहाँ से फैज़ मिलता, तो यकीनन मेरा यकीन है मुझे फैज़ मिलता है, आप भी इंशाल्लाह यकीन रखिए। बाज़ लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से चल चुके हैं, निकल चुके हैं, मतलब वो भी उनसे फैज़ नहीं होता। तो भाई आप इंशाल्लाह यकीन रखिए, आपको भी फैज़ होगा, और बुज़ुर्गान दीन से भी यकीन रखिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फैज़ होगा। थैंक यू। हंसता नहीं देख कर अपने रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ले चमकाने वाले। मैं मेरे को बोल के भजिए लेके आ रहा हूँ।